तो गाइस मेरी शॉपिंग हो चुकी है, ये सब उठाया भी नहीं जा रहा, इतनी सारी मैंने शॉपिंग कर ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग इन जर्मनी। तो मैं इंडियन स्टोर जाने वाली हूँ आपको, और आपको विजिट कराने वाली हूँ अपने साथ कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है और कितने रेट में मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम है सोनी, मैं रहती हूँ जर्मनी में और मैं बनाती हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू जर्मनी। तो मैं हूँ अभी म्यूनस्टर में, एंड म्यूनस्टर को कहा जाता है साइकिल सिटी ऑफ जर्मनी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स हैं। तो मैं यहाँ पे जो यहाँ का मेन स्टेशन है, मतलब हाउपबहनहॉफ, वहाँ पे हूँ मैं। तो वहाँ से जो जहाँ मैं जा रही हूँ जो स्टोर, तो यहाँ से 500 मीटर्स की दूरी पे है, तो मैं वॉक करते हुए जाऊँगी। तो उससे पहले मैं आपको आसपास में साइकिल दिखा देती हूँ कितनी, मतलब जो साइकिल पार्किंग है यहाँ पे, जो साइकिल के स्टैंड्स होते हैं, तो कितनी साइकिल यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 300,000 लोग रहते हैं, एंड मतलब लगभग यहाँ पे 500,000 साइकिल्स हैं, मतलब लोगों से ज़्यादा यहाँ पे बाईसाइकिल्स हैं। एंड मतलब हर कोई यहाँ पे ओन करता है 2 से 3 साइकिल, मतलब पर बंदा, तो आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पे जो रूट डिज़ाइन है साइकिल के लिए, मतलब राइडिंग के लिए, वो ऑल ओवर जो इनर सिटी है, मतलब इनर जो स्ट्रक्चर है इसका, तो पूरा मैपिंग किया गया है। और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा साइकिल फ्रेंडली है ये सिटी, तो काफ़ी सही है। मतलब लोग सारे एज ग्रुप के यहाँ पर साइकिल चलाते हैं, आप देख सकते हो पीछे भी जा रहे हैं लोग। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ बैक से पहले व्यू, एंड देन हम चलते हैं अपने स्टोर पे। तो गाइज़ आपने बाईसाइकिल तो देख ही ली कितनी सारी थी। तो यहाँ पे 1 यूरो शॉप भी है जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे क्रिसमस के बहुत सारे डेकोरेटिव्स और बहुत सारे जैसे गिफ्ट्स और सामान आ चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख लिया जाए। तो मैं अंदर गई, फिर मैंने देखा तो बहुत सारे गिफ्ट्स थे, लाइक मग्स, कॉफ़ी मग्स जो होते हैं, फिर बहुत सारे शो पीसेज एंड ऑल, छोटे छोटे स्टैचूज़ वगैरह। एंड ऐसे ही थोड़ा सा लुक आप भी देख लो कैसा दिखता है 1 यूरो शॉप, एंड बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स ये सब थे। एंड मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके 1 यूरो शॉप के बारे में। तो गाइस मैं शॉप के अंदर पहुंच चुकी हूँ, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रॉसरीज है। ये है एशियन अफ्रीकन, मतलब शॉप, ग्रॉसरी शॉप। तो यहाँ पे अफ्रीकन इंग्रेडिएंट्स भी हैं, ग्रॉसरीज एंड एशियन भी हैं, तो इंडियन भी सारे ही हैं ऑलमोस्ट। तो मेरे को लेना था ये चिली पाउडर, तो मैं ये ले रही हूँ, एंड मैं धीरे बात कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जनरली अलाउड नहीं होता वीडियो बनाना, सो इसीलिए। देन मेरे को चाहिए थे कुछ करी लीव्स, ग्रीन चिलीज भी मिलेंगी, तो उसका मैं प्राइस दिखा दी। यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल इंडिया से भी इम्पोर्ट होके आते हैं, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे कि करेले हो गए जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, और भी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इस शॉप में चाय पत्ती का पैकेट था 400 रुपये से स्टार्टिंग, एंड देन ये सारे इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स थे जो इंडिया से आते हैं, जैसे कि करेला हो गया, लौकी हो गई, तुरई हो गई, एंड अरबी थी। देन यहाँ पे और भी कुछ वेजिटेबल्स थे, ये तो जर्मन पम्पकिन ही है, मिर्ची है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे ये तोरी है, प्याज है ये रेड वाले। देन यहाँ पे और भी सब्जियाँ थी, कुछ कुछ का तो मैं भी मतलब जानती नहीं हूँ। देन यहाँ पे मूली है, एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अरबियाँ हैं आप देख सकते हो। एंड इसके प्राइसेस तो बहुत ही ज़्यादा हाई थे,
एंड मैंने 100 ग्राम मिर्ची ली तो वो थी 1 यूरो की, मतलब 82 रुपये की 100 ग्राम मिर्ची। तो आप सोच ही सकते हो चीज़ें कितनी महंगी मिलती है यहाँ पे, खासकर वेजिटेबल्स। देन ये बहुत सारे टाइप्स के बनानास थे बट मुझे नहीं पता इनका प्राइस, मैंने पूछा भी नहीं। देन यहाँ पे भिंडी थी आप देख सकते हो, एंड नींबू है और भी चीज़ें हैं। तो गाइज़ आपने एक स्टोर तो देख ही लिया, तो मुझे तो ये पर्सनली स्टोर अच्छा नहीं लगा, बट आप देख लो ऐसे ही स्टोर होते हैं छोटे छोटे नुक्कड़ वाले एकदम। तो वही, तो मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, मैंने एक मिर्ची का पाउडर लिया, चिली पाउडर, एंड देन मैंने ग्रीन चिलीज ली, तो फिर यही था। एंड मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियो शूट करी, बट मैं और एक स्टोर जा रही हूँ यहाँ पर, उसका नाम है ज़ाफ़ना, एंड वो मतलब प्रॉपर इंडियन स्टोर है, उसके जो ओनर है वो तमिलियन है, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ चली जाऊँ। तो लेट्स सी, बट आई डोंट नो कहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ, तो उसका एड्रेस थोड़ा सा मतलब वियर्ड है, मिल नहीं रहा है मुझे, बट देखते हैं मैं पहुँचूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ठीक है, बाकी मौसम बहुत ज़्यादा विंडी हो रहा है आज, बहुत मतलब हवा चल रही है, तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ इंडियन भी खा लूँ, कुछ स्नैक्स, तो अगर खाऊँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो अभी चलते हैं। पहले योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट, गूगल मैप्स में मैंने डाला हुआ है एड्रेस, तो वो देख के मैं पहले पहुंच जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मैं शॉप के अंदर आ चुकी हूँ, मैं शॉप पे पहुँच गई थी, पूछा मैंने एक जगह पे, क्योंकि रास्ता मैंने बताया ना कि समझ नहीं आ रहा था मैप्स में भी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे मसाले हैं, एंड ये शॉप थोड़ी बड़ी है, मेरे को अच्छी लग रही है काफ़ी, इसमें मतलब ऑप्शन है ख़रीदने के लिए। तो ये प्रॉपर मतलब जो लोग हैं वो तमिलनाडु के हैं, मतलब तमिलियंस हैं, श्रीलंका के हैं सॉरी। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे इतने सारे मसाले रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर तंदूरी मसाला आप देख सकते हो। तो मतलब मसाले भी जनरली 1.5 यूरो से स्टार्टिंग। तो गाइज़ आप देख सकते हो जो भी मसाले के पैकेट थे ना, 100 ग्राम के जितने भी मसाले थे, तो वो मतलब 1 यूरो से स्टार्ट होके 1.5 यूरो के थे, मतलब 82 रुपये से स्टार्ट होके 122 रुपये के। एंड देन बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे, और हर चीज़ का मसाला था, सॉसेस थे, गर्म मसाले थे, दाल थी, सब कुछ था। बट प्राइजेस तो आप देख ही सकते हो कंपेयर टू इंडिया बहुत ही मतलब लाइक डबल या फिर ट्रिपल है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो तो कितनी महंगाई है यहाँ पे जर्मनी में, या इंडियन ग्रोसरी कितनी महंगी मिलती है। एंड यहाँ पे बेसन के भी कुछ ऑप्शन थे, तो वो 2.5 यूरो से स्टार्ट थे, एंड मैंने एक ख़रीदा था उसमें से 1 किलो का बेसन। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप खड़ा धनिया है, बहुत सारे टाइप्स की दाल है, और दाल भी 2.5 यूरो से स्टार्ट होती है, जो 200 ग्राम की आती है शायद। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स, और ये सारे श्रीलंका से आते हैं, क्योंकि जो ये ओनर थे तो ये श्रीलंका के थे। एंड देन यहाँ पे स्वीट के बॉक्सेस थे, 3.6 यूरो का है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कच्चे केले हैं, नींबू है, एंड बैंगन है, बीन्स है लंबी लंबी, भिंडी है, बहुत सारे मतलब हर चीज़ थी, बट ये सारे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। 1 किलो का रेट लगभग 7 यूरो था, तो आप लगा सकते हो मतलब कितना महंगा है ये। देन यहाँ पे इमली विमली आपको सब मिल जाएगी साउथ इंडियन रेसिपी में, जो भी यूज़ होता है। एंड यहाँ पे बर्तन थे, इडली का बर्तन एंड मिक्सचर्स ग्राइंडर जो होते हैं वो मिल जाएगा आपको। उसके रेट मुझे तब भी सही लगे, वो 30 यूरोज़ का था, तो शायद मैं लूँगी उसे नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। तो यहाँ पे कच्चा नारियल रखा है, तो एक कच्चा नारियल है 1 यूरो का। देन यहाँ पे आटा है, चावल है, जो भी आपको ग्रेन्स लगते हैं ना, जो भी कुकिंग के सामान लगते हैं, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंडियन। देन यहाँ पे एक सेक्शन था, यहाँ पे सारे नूडल्स और चाइनीज़ मिल रहा था आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सारे विनेगर है, सोया सॉस है, नूडल्स हैं, तो इसमें से फिर मुझे मैगी दिख गई थी, तो मैंने मैगी ले ली थी। देन उसके बाद यहाँ पे ये फ्रीज़र हैं, डीप फ्रीज़र्स, तो इसमें सारे जितने भी मीट्स होते हैं जो यहाँ नहीं मिलते हैं, सी फूड जो सारे इम्पोर्ट होके आए हैं, जैसे कि क्रैब्स हो गए, फिशेज़ हो गई डिफरेंट टाइप्स की, तो वो सब थे आप देख सकते हो।
तो इनका भी प्राइस जो था ना 1 kg का 7 euros था, तो आप लगा सकते हो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो भी, मतलब ये फ्रेश नहीं है। देन यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखा जो लोग मतलब कुक इतना नहीं कर पाते, यहाँ पे रेडी टू ईट पराठा था एंड ये वेजिटेबल स्टफ्ड पराठा था, और मतलब काफ़ी सही ऑप्शन है, अगर आपको कभी मन ना करे तो आप यहाँ पे ले यहाँ से ख़रीद के ले जा सकते हो एंड देन खा सकते हो इसको नाश्ते वगैरह में। देन उसके बाद मैगी का मैंने आपको बताया था, तो मैगी जो फैमिली पैक जो इंडिया में 100-200 रुपये का आता है, यहाँ पे लगभग 4 euros का है, मतलब 3.79 euros। फिर यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स थे एंड यहाँ पे कुरकुरे दिख गया मुझे, और कुरकुरे आप बिलीव नहीं करोगे 20 rupees का जो कुरकुरे आता है वो यहाँ पे 1.10 euro का है, मतलब लगभग 90 रुपये तक का ये है। माई गॉड, मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई। फिर आप देख सकते हो ये कैश काउंटर कुछ ऐसा था, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स भी थे, जैसे सरसों का तेल मेनली यहाँ पे नहीं मिलता जो इंडिया वाला होता है। तो गाइस मेरी शॉपिंग हो चुकी है, ये सब उठाया भी नहीं ज़्यादा, इतनी सारी मैंने शॉपिंग कर ली है एंड जो जो मेरे को लेना था लाइक ग्रोसरीज में मसालेज में मैंने सब कुछ ले लिया है। वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था मसाले में, बट और सारी चीज़ें लेनी थी तो आपको घर जाके दिखाऊंगी या फिर इसके लिए एक ब्लॉग बना लूँगी विथ प्राइजेस। तो ठीक है अब कुछ खाने चलते हैं, थोड़ी सी भूख लगी है। तो मैंने बोला था ना कि मैं कुछ इंडियन खाऊँगी, तो वहीं चलते हैं खाते हैं, फिर मिलते हो आगे। तो गाइज मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग तो हो चुकी है, तो मैं सोचो घर चली जाती हूँ बिकॉज ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। मैं सोच रही थी पहले खाने जाऊँगी, मैं गई थी रेस्टोरेंट बंद था, उनका ब्रेक चल रहा था, तो 2 घंटे बाद ही खुलेगा तो मैं 2 घंटे वेट नहीं कर सकती, उससे बढ़िया तो मैं घर जाऊँ और घर जा कर मैं कुक करके खा सकती हूँ। एंड मेरा सामान भी बहुत भारी हो रहा है, आप देख सकते हो 2 बैग्स पूरे फुल भर के मैंने ले लिया है। तो जो भी ग्रॉसरीज मैंने ली है वो मैं आपके साथ करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर। तो इस व्लॉग में इतना ही था, और आप देख सकते हो मेरे पीछे बस स्टैंड है, यहाँ पे सारी लिस्ट आ रही है डिजिटली बसेस की जो भी आने वाली है, तो मेरी बस है 7-8 मिनट में एंड मैं 4:30 बजे तक घर पहुँच जाऊँगी। तो ठीक है फिर इस व्लॉग में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहेंगे।